डींडवाना में विधायक यूनुस खान ने एक बड़ी पहल करती हुई राजकीय खेल स्टेडियम में श्रमदान का आह्वान किया, जिस पर सैकड़ों लोग स्टेडियम में श्रमदान करने पहुंचे। इस दौरान विधायक यूनुस खान ने खुद श्रमदान करते हुए सफाई की और फावड़ा भी चलाया। बता दें कि यह श्रमदान सुबह 9:30 बजे शुरू होकर लगातार 4 घंटे तक चलता रहा, जिसमें सैकड़ों शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इसी क्रम में विधायक यूनुस खान ने कहा कि श्रमदान का उद्देश्य खेल स्टेडियम को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है। साथ ही जिस तरह से शहरवासियों ने भागीदारी निभाकर खेल स्टेडियम के स्वरूप को निखारा है, उसके लिए वह सबके आभारी हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पर आज हम सब लोग श्रमदान कर रहे हैं, ये राजकीय खेल स्टेडियम है और ये 2003 से 8 के वर्ष में, जब मैं यहाँ विधायक था और खेल मंत्री भी था, उस समय ये भूमि परमानंद ट्रस्ट के द्वारा 50 बीघा दान की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 2008 से 13 में यहाँ खेती कर ली और वापस जब 13 से 18 में विधायक बना तो आप देख रहे हैं ये पीछे एक तो हॉस्टल है, ये हॉस्टल का निर्माण कराया, पूरे खेल स्टेडियम का निर्माण कराया, बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण करवाया, क्रिकेट का निर्माण कराया, यहाँ भवन बनाया, ट्यूबवेल बनाया, टॉयलेट बनाया।